अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सभी के संग में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। तो जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि ये मेरा बालकनी का गार्डन है, छोटा है, क्यूट सा है। मुझे पौधों का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। मैं हमेशा से हर रोज़ सुबह इनकी बहुत ज़्यादा देखभाल करती हूँ और ये मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारे हैं। और बारिश के मौसम में ये बहुत ही हरे हरे हो जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छी ग्रीनरी हो जाती है। और देखिए, बारिश भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस ये साल है। अभी बिगनिंग में ही इतनी ज़्यादा बारिश है कि कई इलाकों में तो बाढ़ जैसा हो गया है। तो अल्लाह सबकी हिफाजत करे। और हम लोग शॉपिंग पे गए थे तो यहाँ पे हमने कॉफ़ी वगैरह पी है। तो ये वहाँ का है, चेस गार्डन जिसे कहते हैं, चेस कैफ़े भी कहते हैं इसे। तो वहीं हम गए थे तो वहाँ का भी थोड़ा सा मैंने क्लिप ले लिया। मैंने कहा आज पूरा दिन जो किया वो आपके साथ शेयर किया जाए। इसके बाद ये मैंने कुछ कुर्तीज़ शॉपिंग की है तो वो भी आपके साथ मैंने शेयर की है। ये ब्लू कलर की कुर्ती है, इसके अंदर थोड़े से डॉट्स एम्ब्रॉयडरीज जैसा है जो कि सेम कलर का है तो कम दिखता है, लेकिन बहुत ही प्यारी कुर्ती है। और ये जो है थोड़ी सी जरी वर्क के साथ है, हैवी कुर्ती है, तो ये भी मैंने ले ली थी। और वैसे मैं कॉटन के कपड़े ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन ये मुझे अच्छी लगी कलर में तो मैंने ये भी ले ली। और इसी के साथ मैंने ये जो कि दूसरी ये ग्रीनिश कलर की है तो ये भी बहुत ही प्यारी है, बहुत अच्छा कॉटन है। और वो जो सॉफ्ट कॉटन होता है वही कॉटन है तो ये गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छी है। और गुजरात में सबसे अच्छी कुर्तियाँ गुजरात में ही मिलती है और यहाँ से ही बाहर जाता है मटेरियल। तो आप सब लोग गुजरात में आके शॉपिंग कीजिए, जो भी इंडिया में रहता है वो बहुत ही अच्छा शॉपिंग होता है। स्पेशली बड़ौदा में बहुत ही अच्छा मटेरियल वाइज मिल जाता है। ये मटेरियल है, इसे ड्रेस बनाना है तो ये बहुत ही अच्छा मटेरियल है। इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा और इसकी जो बॉर्डर की प्रिंट है वो बहुत ही अच्छी है। और ये दूसरा एक कलर का मैंने ले लिया है, इसके ऊपर भी बॉर्डर और वर्क बहुत अच्छा है, हैवी काम है तो ये शादियों के लिए बहुत अच्छा है। ये भी एक कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वैसे ऑरेंज कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मेरे घर में भी हर तरह ऑरेंज कलर बहुत ज़्यादा है। और रसमलाई हमने बनाई थी तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर की कि मैंने ईद के दिन क्या तो मैंने रसमलाई बनाई थी, वो भी आपके साथ शेयर की। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।